बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जूनियर ऑडिटर के सिलेबस के मुतालिक बात करेंगे। काफ़ी सारी बेचैनी पाई जा रही है एस्पिरेंट्स में जिन्होंने अप्लाई कर लिया है कि वो जल्द अज जल्द अपनी तैयारी कर सकें और सही डायरेक्शन में कर सकें। एग्जैक्टली दे आर वेरी राइट जो ये करना चाह रहे हैं कि इन टाइम तैयारी और कामयाबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट भी यही है कि इन टाइम तैयारी की जाए। अगर एक हफ़्ता पहले पेपर से आपने तैयारी करनी तो वो तैयारी नहीं होगी, जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जूनियर ऑडिटर के सिलेबस के मुतालिक। तो उसके जो पोर्शन है, एक उसका वर्बल रीजनिंग होगा, और ये पार्ट 10% होगा। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग होगा, और ये पोर्शन होगा 20%। इसके बाद जनरल नॉलेज होगा, और ये भी होगा 10%। और लास्ट पोर्शन जो है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। उस पर भी हम चल के बात करते हैं कि सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या क्या। सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो 60% होगा। ठीक है जी, ये आपके चार हिस्से होंगे सिलेबस के, और ये टोटल बनता है 100%। सही है जी। और बाकी ये तो पहले जो तीन पॉइंट्स हैं ये तो क्लियर कि वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, और इसके बाद रह जाता है कि सब्जेक्ट के रिलेटेड सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँ कि हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड काफ़ी हद तक हिस्सा कवर हो चुका है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग हमारी कम्प्लीट है। फिनेंशियल अकाउंटिंग के भी जो इंट्रोडक्शन और जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हमारी क्लियर हैं। जनरल नॉलेज भी काफ़ी हद तक मटेरियल अवेलेबल है, और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। लेकिन इसके साथ मैं आगे आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड मज़ीद बताना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के रिलेटेड कौन कौन से पार्ट्स होंगे। इसमें होगा बेसिक कंप्यूटर, और ये हमारा 10% होगा। इसके अलावा कंप्यूटर में चीज़ें शामिल होंगी, एमएस वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है, यानी कि एमएस ऑफिस में कवर किया जाएगा, और कंप्यूटर के मुतालिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो भी। कॉमर्स का जो है जनरल क्वेश्चन जो है 10% है, इसके अलावा एडवांस काउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स है 10% है, और क्वांटिटेटिव यानी कि मैथमेटिक्स ये भी 10%। और इस तरीके से ये आपका 60% हिस्सा बन जाता है। तो ये इस तरीके से हम सारे का सारा हिस्सा कवर करते जाएंगे, और एंड पे मैं आपको बेस्ट विशेज़ देता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑनलाइन जो तैयारी का प्लान है वो चल रहा है। क्लास स्टार्ट हो चुकी हुई है, आज से 2 वीक पहले ही तकरीबन हमने स्टार्ट कर दिया था। जिन्होंने ज्वाइन करना था वो उन्होंने अपना कोर्स स्टार्ट किया हुआ है,
और आप अगर हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.harvardacademy.com। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, HARWRDACADEMY.com। और सेल नंबर या व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-570-6226। और हमारा ये सारे का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, वेबसाइट के ऊपर ही तैयारी होगी। और इसमें सबसे फ्लेक्सिबिलिटी जो ज़्यादा है कि आपको किसी स्पेसिफिक टाइम ऑनलाइन होना नहीं पड़ता, जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स फुल टाइम हैं, जो टाइम स्पेयर करके किसी अकेडमी नहीं जा सकते, उनके लिए बेस्ट है और फीस भी बहुत ही कम है। तो आप लोग ये अपना जो लेट करने की ज़रूरत नहीं है और कोर्स को ज्वाइन करें ताकि इन टाइम सिलेबस कवर करें। सिलेबस काफ़ी लेंथी है तो एग्ज़ाम इसके जो है एक्सपेक्टेड हैं कि वो जनवरी के स्टार्ट में या दिसंबर के एंड तक होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।